हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था मैं आपको पैट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। हाँ, थोड़ा डिले हो गया वीडियो अपलोडिंग में, बट खैर छोड़ो, तो चलिए वीडियो पर आते हैं। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट टू भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कुछ इम्पोर्टेंट मिस हो जाए। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए वीडियो पर आते हैं, जिसे हम पैट कहते हैं। सो क्वेश्चन वन है बच्चों, आई गेट अपसेट ईजली। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस डाले हैं मैंने बच्चों, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल और कैन नॉट डिसाइड, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन इसी टाइप से आने वाले हैं, आपके डेली बेसिस के क्वेश्चंस होंगे या आपसे आपके जो आपके नेचर आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सो क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, आई गेट अपसेट ईजली, मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हूँ। तो आप इस चीज़ से सहमत हैं या न्यूट्रल हैं या बिल्कुल भी सहमत नहीं है? आपके पास पाँच ऑप्शंस रहेंगे, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल और कैन नॉट डिसाइड, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो क्वेश्चन में बच्चों याद रखना कि जिस क्वेश्चन में आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव शो हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव शो हो रही है उस क्वेश्चन से, तो उस क्वेश्चन पर आप डिसएग्री करके आना, आप उस क्वेश्चन को एग्री मत करना, क्योंकि उससे आपकी वो क्वेश्चन आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करेगा। तो मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हूँ, इसका आप क्या करेंगे? इसमें मेरा कुछ ऑप्शन कुछ अलग, मेरा आंसर कुछ अलग होगा, आपका ओपिनियन कुछ अलग होगा, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। इसमें इसलिए मैंने कोई आंसर वगैरह नहीं डाले हैं, बिकॉज कि ये हर बच्चे का डिफरेंट आंसर होगा, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, तो किस तरीके से अपने आंसर को शो करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसमें अगर ये मैं इसकी जगह होती, आई गेट अपसेट ईजली, मैं आपकी जगह होती तो मैं बच्चों इसमें स्लाइटली डिसएग्री करती। आप स्ट्रांगली डिसएग्री भी नहीं कर सकते और न्यूट्रल भी नहीं हो सकते। स्ट्रांगली डिसएग्री मतलब कि आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं होते, ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं, कि कोई ह्यूमन बींग ही नहीं है कि वो किसी चीज़ से अपसेट ना हो। और न्यूट्रल भी नहीं रह सकते कि आपको पता ही नहीं है कि मैं अपसेट होती भी हूँ या नहीं, ये ऑप्शन भी आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा आंसर करना। और अग्री भी मत कीजिए कि हाँ मैं तो छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाती हूँ। तो मेरे ओपिनियन से बच्चों इसमें स्लाइटली डिसअग्री सही रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें आपका बच्चों स्लाइटली डिसअग्री, और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा सुटेबल लगता है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चन है बच्चों, ये पर्सनैलिटी के ऊपर है। हर किसी का ऑप्शन जो है ओपिनियन डिफरेंट होगा, हर किसी का सोचने का नज़रिया अलग होगा। सो मेरा आंसर आपका आंसर डजेंट मैटर, वो सिर्फ आपका जो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होगा उसको मैटर करेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करेगा। सो आप सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है इनमें से कोई एक दो क्वेश्चन आ जाए, आपके लिए अच्छा होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सेकेंड है बच्चों, आई इंजॉय बींग पार्ट ऑफ अ ग्रुप, मैं ग्रुप में एक किसी ग्रुप का पार्ट होना इंजॉय करती हूँ, ठीक है? तो स्ट्रांगली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल और कैन नॉट डिसाइड, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री। आप ग्रुप में, इस क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है बच्चों, आप ग्रुप में रहना पसंद करते हैं या नहीं? सो आप अपने ओपिनियन से इसमें आंसर कर सकते हैं कि आपको ग्रुप में रहना पसंद है या नहीं। और अगर मैं अपना बताऊँ तो आई इंजॉय बींग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। सो बच्चों इसमें आई विल चूज स्लाइटली एग्री। आप स्ट्रांगली भी कर सकते हैं कि इससे आपके ही जो आपका क्या बोलते हैं उसे, आपकी आपका नेचर पता चलेगा कि हाँ आप ग्रुप एक्टिविटीज, क्योंकि जब आपसे पर्सनल इंटरव्यूज में क्वेश्चन, पर्सनल इंटरव्यू जो होगा उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी देखेंगे कि आप एक ग्रुप को कितने अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, आप ग्रुप में काम कर सकते हो या नहीं। वो क्वेश्चन आपके उस ग्रुप, इस क्वेश्चन से भी बेस्ड हो सकते हैं कि आप एक कितना अच्छा लीडर हो या आप कितना अच्छा कोऑपरेट करते हो ग्रुप में। तो इसमें आप स्ट्रांगली एग्री लगा के आ सकते हो,
या स्लाइटली एग्री भी लगाओगे तो वो भी चलेगा, डिसएग्री मत लगाना। नेक्स्ट पर आते हैं, आई लाइक टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मुझे कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री। अकॉर्डिंग टू मी बच्चों, आई लाइक टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, आई विल चूज स्ट्रॉन्गली एग्री। पेपर के भी आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपको अपना एक मोटिव है कि आपको जो आपका पैट में आपका क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको अपनी जो पर्सनैलिटी है वो आपको एक लीडरशिप वाली, आपको ऑपरेटिव हो, इस तरह से शो करनी है कि आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, आप उस पेपर को क्वालिफाई करो। तो आई लाइक टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्गली एग्री, मेरे अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट है बच्चों, आई बिलीव दैट अदर हैव गुड इंटेंशन। मैं, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि दूसरों की जो इंटेंशंस होती हैं वो गुड होती हैं, अच्छी होती हैं। आपके पास ऑप्शंस है बच्चों, आप तो अपनी मन से कुछ भी कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी बच्चों, न्यूट्रल और कैन नॉट डिसाइड मेरे हिसाब से सही होगा, क्योंकि आप अपने मन से नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि उनकी इंटेंशंस हमेशा अच्छी हैं आपके लिए या नहीं है। तो मेरे लिए तो ये न्यूट्रल होगा। और आप अपनी जो, आप सजेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको मेरा ओपिनियन सही नहीं लगा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहती हूँ। गुड क्वेश्चन, आपका पॉजिटिव क्वेश्चन, आपका आपकी पर्सनैलिटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है। तो स्ट्रॉन्गली एग्री, स्लाइटली एग्री, दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन टिक करके आइएगा। डिसएग्री मत कीजिएगा कि आप कभी किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहती हैं। स्लाइटली एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, दोनों ही आपके ऑप्शंस सही होंगे। और ये भी नहीं आप हर क्वेश्चन में स्ट्रॉन्गली एग्री लगा के आओगे, वो आपके क्वेश्चन साइकोलॉजिस्ट जो होगा वहाँ पे, जो आपका पेपर चेक करेगा, वो आपके फिर माइनस मार्क्स माइनस कर देगा कि आप नेगेटिव चीज़ों पे भी स्ट्रांगली एग्री लगा रहे हो, आप पॉजिटिव चीज़ों पे भी स्ट्रांगली एग्री लगा रहे हो। तो सोच समझ के करना, आपको हाफ एन आवर मिलेगा वहाँ पे, तो आप अच्छे से सोचना। और ज़रूरी क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, स्ट्रांगली एग्री, स्लाइटली एग्री, इस वाले बेसिस पे ही होंगे। आपके ऑप्शंस में चार ऑप्शंस वाले भी हो सकते हैं। सपोज कि एक आपने रोड पे एक्सीडेंट देखा, तो आप उसमें क्या करोगे, आप वहाँ पे सेल्फी खींचोगे, आप उसकी हेल्प करोगे, आप उसके फ़ोन से उसके घर वालों को कॉल करोगे, इस तरह के क्वेश्चन भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी हो सकते हैं आपके सिचुएशन के बेस्ड पर। एक ये टाइप हो सकता है और एक वो टाइप हो सकता है, जिसमें चार ऑप्शंस होंगे आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, आई हैव अ लो ओपिनियन ऑफ माई सेल्फ। आई हैव अ लो ओपिनियन ऑफ माई सेल्फ, मेरा अपने लिए जो ओपिनियन है वो बहुत लो है। मैं बहुत लो एस्टीम्ड पर्सन हूँ, ऐसा सोचना। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लिए नेगेटिव पर्सनैलिटी शो कर रहा है कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ अपने, मुझे पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती, मैं हमेशा सिर्फ लो ही सोचूंगी अपने बारे में। तो आप इस चीज़ को स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हैं या स्लाइटली डिसएग्री, और स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन लुकिंग फॉर अ मूवी टू वॉच यू कैन स्पेंड एज ब्राउजिंग द कैटलॉग। आपको जब मूवी देखने का मन हो तो आप जो है सिर्फ कैटलॉग देखने में ही अपनी पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप इस चीज़ से, ये थोड़े डेली बेसिस हो गए ना, कि आपके जो आप डेली बेसिस पे काम करते हो कि आप एकदम से फटाक से कोई मूवी सिलेक्ट कर ली और आपने देख ली, या आप सिर्फ कैटलॉग्स में ही देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो कि नहीं ये वाली देखनी है, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली देखनी है। तो ये थोड़े डेली बेसिस के क्वेश्चंस आ गए अब। तो इसमें भी आपका सबका ओपिनियन अलग अलग होगा, तो आपको बताना है। मेरे लिए तो क्या है, जब मैं कोई मूवी देखती हूँ तो मेरे मन में जो मूवी आती है ना, मैं तो वो चूज कर लेती हूँ। तो मैं इसमें स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्लाइटली डिसएग्री सही रहेगा, स्लाइटली डिसएग्री, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मूवी सिलेक्ट करने में। क्वेश्चन 8, एट पार्टीज एंड सिमिलर इवेंट्स, कुछ पार्टीज हो रही है या घर में कोई भी पार्टी छोटा मोटा फंक्शन हो रहा है,
यू कैन मोस्टली बी फाउंड फर्दर अवे फ्रॉम द एक्शन. आप मेन जो मेन प्रोग्राम है वहाँ से आप बहुत दूर पाए जाओगे. आप मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं, एक तरह से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना नहीं पसंद करते. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जहाँ पे मेन चीज़ चल रही है, सपोज आप किसी के हल्दी फंक्शन में जा रहे हो या किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तो जहाँ केक कटिंग हो रही है आप उसके आसपास नहीं पाए जाओगे, आप कहीं दूर खड़े होंगे, अपने आप में मगन होंगे. क्वेश्चन ये आपसे ये पूछ रहा है. तो स्ट्रांगली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल और कैन नॉट डिसाइड, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री. आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं बच्चों. अकॉर्डिंग टू मी न्यूट्रल और कैन नॉट डिसाइड मैं नहीं कर सकती. अगर मेरा फैमिली फंक्शन है, मतलब जहाँ मैं अच्छे से अपने रिलेटिव्स को जानती हूँ, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन अच्छा है, तो ऑब्वियसली मैं बिल्कुल अपने सेंटर में पाई जाऊँगी, जहाँ पर भी वो फंक्शन का मेन पार्ट होगा. अदरवाइज मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करूँगी. सो आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इफ़ योर फ्रेंड आर सैड अबाउट समथिंग, आपका कोई फ्रेंड है वो सैड है, योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू सपोर्ट देम इमोशनली, नॉट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. कि आपका फ्रेंड है अगर वो सैड है तो आप उसे इमोशनली पहले सपोर्ट करोगे. आपका इंस्टिंक्ट ये रहेगा कि आप उसे पहले इमोशनली सपोर्ट करो, उसकी प्रॉब्लम जो है पहले सॉल्व करने की कोशिश मत करो, उसे इमोशनली सपोर्ट करो. तो स्ट्रांगली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल और कैन नॉट डिसाइड, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री. सो अकॉर्डिंग टू मी स्लाइटली एग्री विल बी अप्रोप्रिएट होगा थोड़ा, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है पहले से, सैड किस चीज़ के लिए. अगर वो सैड है और प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी है तो आप थोड़ा सोचोगे कि इसकी प्रॉब्लम में भी थोड़ा सा हेल्प करें, और अगर वो सैड है तो आप उसे इमोशनली भी सपोर्ट करोगे. सो मेरे लिए न्यूट्रल भी हो सकता है और स्लाइटली एग्री भी हो सकता है. स्ट्रांगली एग्री नहीं, स्लाइटली और न्यूट्रल. सो आप दोनों में से कोई सी भी, आप स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते हैं. आप डिसएग्री मत कीजिएगा क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछते हैं ये क्वेश्चन बाय चांस आ जाता है तो आप स्ट्रांग डिसएग्री मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कौन क्या होते हैं, वो सपोर्ट पहले आपको इमोशनली ही सपोर्ट करते हैं, देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों. यू इंजॉय वाइब्रेंट सोशल इवेंट विद लॉट्स ऑफ पीपल. आप सोशल इवेंट्स को इंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, गैदरिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल और कैन नॉट डिसाइड, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री. तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है कि आपको आप ऐसे किस तरह से रहना पसंद करते हैं. आप गैदरिंग पसंद है आपको, या फिर आपको सिर्फ अपना एक कमरे में अपने आप अपनी बुक्स के साथ या अपने फ़ोन के साथ रहना पसंद है. तो भैया मेरे लिए तो यू एंजॉय वाइब्रेंट सोशल इवेंट विद लॉट्स ऑफ पीपल, आई लाइक. सो स्ट्रांगली एग्री फॉर मी. नेक्स्ट, यू ऑफन रिलाई ऑन अदर पीपल टू बी द वन टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन एंड कीप इट गोइंग. आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि वो आपसे आके कन्वर्सेशन स्टार्ट करें और फिर उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते जाएं. ऐसा आपके साथ होता है? तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो एग्री कीजिए, और नहीं होता ऐसा कि आप, ये वो बेसिकली एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट वाला क्वेश्चन हो गया. आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप एग्री कर सकते हैं कि हाँ अब मैं भैया इंट्रोवर्ट हूँ और मेरे से कोई आके कन्वर्सेशन करेगा तो ठीक है, अदरवाइज अपना जो जहाँ है वो वहाँ ठीक रहे. और अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आप खुद से जाके दूसरे से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने लग जाओगे. तो यू ओपन रिलाया, तो इसमें आपके लिए आप स्लाइटली डिसएग्री कीजिए. आप इंट्रोवर्ट भी नहीं रह सकते, आपको थोड़ा अपने आप को जो आपकी सोसाइटी है उसके हिसाब से आपको खोलना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा. तो स्लाइटली डिसएग्री ठीक रहेगा. पीपल कैन रेयरली अपसेट यू. अब एक क्वेश्चन पीछे आया था ईजिली अपसेट होने का, ये क्वेश्चन है बच्चों कि पीपल आपको रेयरली अपसेट करते हैं, आप अपसेट ही नहीं होते. अगेन मेरा इसमें न्यूट्रल ही होगा कि मैं नहीं बता सकती कि कौन सा पर्सन मुझे कब अपसेट कर सकता है और कब नहीं कर सकता.
इफ यू आर डेडिकेटेड एंड फोकस्ड ऑन योर गोल ओनली रेयरली गेट साइड ट्रैक्ट। आप बहुत डेडिकेटेड हैं, अपने गोल के लिए बहुत फोकस्ड हैं और कभी कभार साइड ट्रैक हो जाते हैं, अपने गोल से भटक जाते हैं। तो स्ट्रांगली डिसअग्री, स्लाइटली डिसअग्री, न्यूट्रल और कैन नॉट डिसाइड, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप फोकस्ड हैं और डेडिकेटेड हैं तो क्या आप कभी साइड ट्रैक नहीं हुए अपने उससे, अपने गोल से? आप बिल्कुल अपने फोकस्ड, अपने जो गोल है उस पर आपका फोकस रहता है। तो अगर आपका बिल्कुल अपने गोल पर फोकस रहता है तो स्ट्रांगली अग्री कीजिए, और कभी कभार साइड ट्रैक हो जाते हो तो स्लाइटली अग्री कीजिए। और डिसअग्री भी कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, अप टू यू। दिस क्वेश्चन इज ओनली अप टू यू गाइज। और मेरे लिए तो स्लाइटली एग्री कभी कभार चल जाता है कि हमें लगता है कि हाँ अभी तो टाइम है। जैसे अभी एमएनएस के बच्चे सोच रहे हैं कि आपका जो मेन गोल है आपको एमएनएस सीबीटी क्लियर करना है, आपको एमएनएस में सीट चाहिए, बट बच्चे अभी क्या कर रहे हैं कि अभी तो आपकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट ही नहीं आए, तो अभी सीबीटी के लिए प्रिपेयर कर कर क्या करें। सो आप थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रहे हो। सो मेरे लिए भी ऐसा ही था, मेरे टाइम पे मुझे जब तक लगता था ना कि अभी तो फॉर्म डेट की, आपकी फॉर्म की डेट ही नहीं आई है, तो मुझे भी जब तक मन नहीं होता था पढ़ने का। तो स्लाइटली एग्री, मैं इस बात से थोड़ा एग्री करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यू कैन स्टे काम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। आप, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो, आप काम हो रह सकते हो, रह सकते हो तो अग्री, और नहीं रह सकते तो डिसअग्री। यू कैन स्टे काम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू मी बहुत प्रेशर के अंदर न्यूट्रल, काम क्या है मेरे लिए मैटर करता है कि उस काम से, वो उस जो आपको मुझे काम से प्रेशर, जो काम के लिए प्रेशर पड़ रहा है मेरे ऊपर, वो काम को मैं एंजॉय कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग लाइफ चेंजिंग चॉइसेस यू मोस्टली लिसन टू योर हार्ट रेदर देन योर माइंड। जब ऐसा कोई डिसीजन लेना होता है कि वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होता है एक तरह से, कि उसके बाद आपका लाइफ कुछ और हो जाएगी, तो वहाँ पर आप दिल की सुनेंगे या दिमाग की सुनते हैं? पर इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप अपने दिल की ज़्यादा सुनते हैं रेदर देन योर माइंड। तो जब लाइफ चेंज, आप खुद सोचिए कि जब अगर कुछ ऐसा डिसीजन लेना है आपको, लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना है, तो आप अपने दिल की सोचना प्रेफर करेंगे या अपने दिमाग की? दिल की सुनते हैं तो आप अग्री कीजिएगा, और दिल की नहीं सुनते हैं तो डिसअग्री कीजिएगा। मेरा न्यूट्रल होगा। भैया डिसीजन क्या है, क्या है कि इसमें आपको दिल लगाना पड़ रहा है या दिमाग लगाना पड़ रहा है, मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। तो न्यूट्रल और कैन नॉट डिसाइड, और बाकी आप सोचेगा कि आप उसमें दिल की सुनते हैं या दिमाग की सुनते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चंस का अभी यही एंड होता है। पार्ट टू भी आपके लिए कल तक आ जाएगा। सो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर आपको वीडियो और क्वेश्चंस का लेवल पसंद आया हो, क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो, मेरी एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पास मेरी वीडियो का कोई लिंक नहीं है, उनके पास वीडियो नहीं पहुँच रही है, तो प्लीज़ आप उन्हें भी सजेस्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों।